बेसिकली अगर हम बात करें टिक्कर डिसीज ऑफ ग्राउंड नट, तो जो टिक्कर डिसीज है ये कहाँ किस में होता है, तो ये एकदम मूंगफली के पेड़ में होता है। ठीक, टिक्कर डिसीज है किसमें होता है, मूंगफली के पेड़ में होता है। किसकी वजह से होता है, तो जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है जिनकी वजह से होता है वो दो ऑर्गेनिज्म है, एक है सर्पोस्पोरा, सर CERCOSPORA, सर्पोस्पोरा एचआरडी कोला। तो एचआरडी स्पेलिंग ARACHIDICOLA, एचआरडी कोला। ठीक, एक सर्पोस्पोरा एचआरडी कोला से होता है और दूसरा पर्सोनाटा, PESONATA। तो कॉमन क्या है इसमें, सर्पोस्पोरा, ये दोनों ये कॉमन है इसमें। ठीक है, तो जो टिक्कर डिसीज ग्राउंडनट है ये दो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, दो एजेंट हैं जिनकी वजह से होता है, तो एचआरडी कोला है, दूसरा क्या है पर्सोनाटा है। ठीक, तो सर्पोस्पोरा एचआरडी कोला और सर्पोस्पोरा एचआरडी नाटा की वजह से कैसे होता है, किस में होता है, तो बेसिकली मूंगफली के पेड़ में होता है। ठीक है, जो मूंगफली का पेड़ होता है ये इसमें होता है। अब इसके सिम्टम्स कैसे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे मूंगफली के पेड़ में बीमारी लग गई है, तो हमें पता चलेगा उसकी पत्तियों के थ्रू और साथ ही साथ उसमें सेल्स में, जब हम माइक्रोस्कोप में सेल देखेंगे उसका सेल्स निकाल के, तो हमें पता चलेगा कि इसमें ये बीमारी लग गई है। ठीक, में क्या होगा कि पत्तियों में होता क्या है कि जो उसकी पत्तियां होती हैं उसमें स्पॉट्स बन जाएंगे। ठीक, और वो जो स्पॉट्स होंगे वो कैसे बनेंगे, तो जो स्पॉट्स बने होंगे तो वो हल्के हल्के पीले करके बनेंगे, उसके बाद वो जो हल्का हल्का पीला उसमें दाग लगेगा, तो वो दाग फिर आगे चल के कैसा हो जाएगा, वो भूरे कलर में बदल जाएगा। और सेल्स में क्या होता है, सेल्स मतलब उसकी कोशिकाओं, कोशिकाओं में क्या होता है कि उसके अंदर जो है वो अपना लाइफ साइकिल प्रोसीड करता है, लाइफ साइकिल को वो अपने आगे बढ़ाता है, तो वहां पे क्या होता है कि वो कोनिडिया बनाता है। ठीक, उसके बाद कोनिडिया के साथ साथ वो आगे रखते हैं पोर्स बनाएगा। तो कोनिडिया होते हैं ऐसे होता है, ठीक, जैसे कि बेस होता है इसमें टिका होता है ये, तो इसी तरह ऐसा से क्या होता है कोनिडिया बनाता है। ठीक है, और ये किस्सा है, ये फंगल डिसीज है। ठीक, देखें तो हम दूसरी चीज देखते हैं कि होस्ट और पैथोजन का संबंध, कि जो होस्ट है मतलब कौन, होस्ट कौन है, ग्राउंड नट हमारा मूंगफली का पेड़ जो है वो होस्ट है, पैथोजन कौन है, तो सर्पोस्पोरा पर्सोनाटा और एचआरडी कोला, ये दोनों हमारे क्या हैं, पैथोजन हैं। इनके संबंध क्या होते हैं, तो संबंध ऐसे होता है कि जैसे कि ये सेल है, ठीक, ये कोशिकाएं हैं, तो इसके अंदर क्या करेगा कि वो पूरी तरह से क्या होगा, फैल जाएगा, ये कोशिकाएं हैं तो इसके अंदर पूरी तरह से क्या होगा, ये फैल जाएगा। ठीक, और ये जो होती है ऐसे क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं, जो पूरी इसी तरह से नेट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब सेल्स में क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, फैलने के बाद, ये फैलने के बाद जो ये होस्ट टिश्यू के, तो जितने भी टिश्यू होंगे उनको क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। ठीक, ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप की, तो पर्यावरणीय संबंध क्या होता है, तो इन्वायरमेंट रिलेशनशिप की बात, इसमें ये होता है कि ये जो बीमारी है ये कौन से महीने लगती है, ये कम से कम सितंबर के महीने तक ये बीमारी लगना शुरू हो जाती है, और इसको कौन सा मौसम चाहिए तो बीमारी लगने को, तो तापमान कम होना चाहिए, साथ ही साथ जो नमी हो, हैवी ड्यू मतलब होता है जो नमी की मात्रा वो ज़्यादा हो, उमस ज़्यादा हो, तो ये क्या होता है, ये सब कुछ कारण हैं जिनकी वजह से बीमारी जो है ये आगे की तरफ बढ़ती है और पेड़ में ये बीमारी लग जाएगी। फिर हम देखें डिसीज साइकिल, तो ये जो डिसीज है इसकी साइकिल कैसे, प्रक्रिया कैसे, कैसे ये डिसीज फैलता है, तो हम देखेंगे, तो प्राइमरी इन्फेक्शन टेक्स प्लेस बाय कोनिडियल प्रेजेंट इन द सॉइल, ये जो है ना प्लस आई एन टी मतलब होता है ये प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। ठीक, ये जो प्रेजेंट है इसका शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं प्लस आई एन टी।
तो यहाँ पे क्या होता है कि जब प्राइमरी इन्फेक्शन मतलब शुरुआती प्रारंभिक जब इन्फेक्शन होता है तो ये क्या करता है कि इस मिट्टी में ही मौजूद रहता है, ठीक, मिट्टी में मौजूद होके ही ये वहां से बीमारी शुरू कर देता है। उसके बाद फिर क्या करता है, क्योंकि हम अभी तक जितना ही पढ़ते हैं लगातार क्या होता है कि पहले मिट्टी में बीमारी आएगी, फिर क्या होगा वो पेड़ में जाएगा, पेड़ में जाने के बाद फिर वो अपने को रखते हैं पेड़ के जितनी भी कोशिकाएं हैं उनके अंदर ऐसे अपने पूरा फैलाएगा, फैलाने के बाद वो बड़ा होगा, और बड़ा होने के बाद फिर क्या करेगा वो कि वो धीरे धीरे जो बीमारी है आगे बढ़ते बढ़ते पूरे पेड़ में फैल जाएगी, ठीक। उसके बाद 2-3 मंथ ओल्ड माइसीलियम, पूरा माइसीलियम रहता 2-3 महीने तक, ठीक, यही चीज है किस तरह से बीमारी है पूरी तरह से अपने को फैलाता है और अपने को वहां पे स्टेबल करता है। अब बात करते हैं हम लाइफ साइकिल की, तो लाइफ साइकिल हम क्या देखेंगे कि किस तरह से इसका पूरा जीवन चक्र चलता है, ठीक। तो जीवन चक्र चलता कैसे है, तो देखो कैसे चलता है, समझो ये मिट्टी है, ठीक, यहाँ शुरुआत, स्टेप 1 लो, स्टेप 2 लो, स्टेप 3 लो, स्टेप 4 लो, ठीक। अब क्या हुआ कि ये जो है ये देखते हैं ये जो है ये पैथोजन ये आपकी मिट्टी में मौजूद था, से फैल रही मिट्टी से, मिट्टी मौजूद था तो मिट्टी से ही पेड़ में जाएगा, तो ये क्या था कि ये मिट्टी मौजूद था, अब ये यहाँ से कहाँ इस पत्ती में जाएगा। अब जब ये पत्ती में गया तो पत्ती में इसने अपना क्या कहते हैं सेकंड इंक्लिनेशन कम करेगा, जब पत्ती में फैलना शुरू होगा जब वहां पे अपनी लाइफ साइकिल शुरुआत करेगा, तो पत्ती में गया, पत्ती में जाने के बाद क्या करेगा कि वो अपने फैलाएगा कैसे, ये देखो ये सेल्स है, सेल्स में जाने के बाद ये अपने को फैलाना शुरू कर दिया है, मतलब माइसीलियम बनाएगा, माइसीलियम के बाद फिर क्या कहते हैं इसके जो शेप ये कोनिडियाज बनाएगा, तो इसके जो बनेगा ये जो कोनिडिया बनाने की इसकी प्रक्रिया है इसको हम बोलते हैं सेकंड इंकुलेशन, ठीक। अब ये जो कोनिडिया बनाएगा तो कोनिडिया जब ये बना चुका है, इस तरह से कोनिडिया जब ये फॉर्मेशन कर लिया है तो यही कोनिडिया आगे चल के पूरे पेड़ में फैलेगा, और फिर ये जर्म ट्यूब जो है ये जब मिट्टी में फिर से जाकर गिरेगा तो यही चीज जब गिरेगा मिट्टी में जाके, तो यही चीज फिर से अगली बारी जो आपकी क्रॉप आएगी, अगला जब आप फसल करेंगे लगाएंगे तो उसी में जाके चीज फैलेगा, ठीक। तो कुल मिलाकर कैसे बना रहे कि पहले मिट्टी में था ये, पत्ती में गया, फिर पत्ती में जाने के बाद इसने अपना घर बनाया, पूरे सेल के अंदर ये घर बनाया, घर बनाने के बाद इसने क्या किया कि जो जर्म ट्यूब था वो मिट्टी में आके फिर से गिरा, और फिर मिट्टी में आकर गिरने के बाद फिर अपने जीवन चक्र को पूरा आगे बढ़ाया। अब दूसरा देखते हैं ऑन द होस्ट सरफेस, होस्ट के सरफेस पे मतलब पूरे पेड़ के सरफेस पे क्या करता है, ये पूरे कोनिडा बना लिया है, यही हम पढ़ रहे हैं कि पूरे कोनिडा को कोनिडिया 4 से बनाता है, ठीक। कोनिडिया कोनिडिया 4 में अंतर क्या होता है, तो कोनिडिया जो होते हैं वो कोनिडिया 4 पे ही होते हैं, जैसे कि कोनिडिया 4 हुआ ये तो इस पे कोनिडियाज लगते हैं, ठीक, ये जो होते हैं ना इनको कोनिडियाज होते हैं, इनको बोलते हैं कोनिडिया 4। इस तरह से लगाता है पूरे सरफेस पे, पूरी पत्ती के सरफेस पे अपने, मतलब जो सतह, जो पूरी पत्ती की सतह होती है, जैसे कि पूरा पत्ती है तो उसके पूरी सतह पे अपने को इस तरह से फैला लेगा, और फैलाने के बाद जैसे हवा चली तो हवा चली, हवा इसमें क्या होता है ना कि हवा चलती है, तो जैसे कि आप देखते हो कि स्पोर्स नहीं होते हैं जैसे फूल उल के जो हल्के हल्के रंग होते हैं ऊपर जैसे चिपके हुए होते हैं, तो जैसे वो हवा में उड़ते हैं तो सेम इसी तरह ये भी हवा में उड़ते हैं, बहुत तेज से वो भी उड़ते हैं, तो जब ये हवा चलेगी तो ये उड़ेंगे और मिट्टी में ही गिर जाएंगे, ठीक। जब मिट्टी में गिर जाएंगे तो क्या हुआ, इसी से लगातार चलते चलते ये बीमारी आगे की तरफ बढ़ती जाएगी, ठीक। अभी ने हम रोकें कैसे, तो रोकने के कुछ तरीके हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम ऐसे फसल उठाएंगे जो डिजीज रेजिस्टेंस हो, मतलब जिनमें बीमारी ना लगी, जो अच्छी क्वालिटी के फसल हो उनको रोक सकते हैं, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं कि फसल की थोड़ा अदला बदली कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं कुछ फंगिसाइड्स यूज कर सकते हैं जैसे कि वेनोमाइजिन फंगिसाइड और कार्बेंडाइजिन, ठीक, इन फंगिसाइड्स का हम यूज कर सकते हैं। कार्बन डाइजिन स्पेलिंग CARBEN, कार्बन डाइजिन, ये हुआ, फिर बेंजोमाइल मतलब बेन, ये बेन हो गया, फिर नो माइल ये है बेंजोमाइल, ठीक है। तो एक बार इसको हम रिकैप करते हैं, तो हमने अभी तक ये देखा
हम देखते क्या है कि जो टिक्का डिसीज है ग्राउंड नट में दो एजेंट की वजह से होता है, एक होता है सर्कोस्पोरा एचआरडी कोला और एक पर्सोनाटा, इनकी वजह से होता है। किसमें होता है? मूंगफली के पेड़ में होता है। सिम्टम्स कहाँ हम देखते हैं? इसके जो लक्षण हम देखते हैं पत्ती पे होता है कि स्पॉट्स होते हैं, पहले स्पॉट्स पड़ते हैं हल्के पीले होते हैं फिर आगे चल के भूरे हो जाते हैं। और क्या करता है ये कि पत्ती की जो सेल्स होती है या फिर जो पूरे पेड़ कहीं भी सेल्स होती है वहां पे जब भी लगता है तो ये अपने आप को पूरा फैलाता है और कोनिडिया बनाता है। ठीक, जो ये कोनिडे कहाँ बनाता है? कोनिडे फोर पे, मतलब कि आप खड़े हो तो किस पे खड़े हो? अपने पैर पे। तो सेम उसी तरह ये किस पे, जो कोनिडिया है किस पे टिका रहता है? कोनिडिया फोर्स पे रहता है। ठीक, जो कोनिडिया फोर इसका क्या है, वो पैर है, वहां बनाते हैं। फिर क्या होता है ये कि इनमें संबंध कैसा होता है? इसमें संबंध ये होता है कि होस्ट और पैथोजन में ये पूरे सेल्स के अंदर फैल जाते हैं और अपने पूरी जो शाखाएं हैं वहां पे उसको बढ़ा लेते हैं। ठीक, माइसीलियम, माइसीलियम मतलब ये शाखाएं जिनको बोलते हैं तो उनके लिए माइसीलियम है, तो उसको बढ़ा लेते हैं। इसको कैसे तापमान चाहिए होते हैं? तो इसका जो तापमान होती है हल्की, इसको नमी ज्यादा चाहिए होती है, फिर हल्का हल्का चिपचिपा मौसम होना चाहिए, जो तापमान है वो कम होना चाहिए। तो ये सब तापमान अगर उसको मिल जाता है सितंबर मंथ से शुरू हो जाता है, ठीक है, बीमारी। और जब इसको ऐसा तापमान मिल जाता है तो क्या होता है कि बीमारी पेड़ में बड़े आराम से लग जाती है। फिर इसकी साइकिल कैसी है? तो इसकी साइकिल कम से कम ये 2-3 महीने तक ही चलता है। ठीक है, और कोनिडिया जो होता है, ये कोनिडिया कहाँ प्रेजेंट होता है? ये मिट्टी में पाई जाती है। कैसे मिट्टी में पाई जाती है? क्योंकि अगर हम इसकी लाइफ साइकिल जीवन चक्र की बात देखें तो ये जो कोनिडिया है कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं, यही फिर जाके पत्ती में लगते हैं और पत्ती में लगने के बाद अपने को फैलाते हैं। जब ये पत्ती में लगने के बाद कोनिडिया बनाते हैं तो यही कोनिडिया जब जमीन फिर से हवा चलती है, ये जो हवा चलती है तो ये जो होते हैं गिरते हैं हवा से नीचे, और जब हवा पे फिर से मिट्टी में गिरते हैं तो ये बीमारी आगे की तरफ इसी तरह बढ़ती जाती है, दूसरे पेड़ में लग जाएगी, फिर वहां बीमारी बढ़ेगी, फिर वहां बनाएंगे पूरे पत्ती में अपने सरफेस पे, पत्ती के पूरे सतह बनाएंगे, फिर हवा चलेगी, फिर वो नीचे गिरेंगे, इसी से बीमारी से आगे बढ़ती जाती है। ठीक, फिर क्या होगा? इसी तरह देखो हवा चलेगी, डिसमिनेशन मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ विंड, जब हवा चलेगी तो क्या होगा, बढ़ेगा और इसी तरह से लगातार इन्फेक्शन जो है बढ़ता जाएगा और फिर बढ़ते बढ़ते क्या होगा कि पूरे पेड़ में ये पूरी फसल को तबाह कर देगा। रोकें कैसे इसको? तो हम रेजिस्टेंस वैरायटी मतलब अच्छे वैरायटी ऐसे हम कहते हैं पेड़ उठाएं, ऐसे पेड़ लगाएं जिनमें प्रतिरोधक क्षमता मौजूद हो। ठीक, क्रॉप पे अदला बदली करें और कुछ फंगिसाइड्स को हम यूज करें। वो फंगिसाइड्स को लिखते हैं, फंगिसाइड्स क्या होते हैं? बेसिकली वो फंगिस हैं जो फंगस को नहीं लगने देते, क्योंकि जहाँ कुनिडिया आ गया, माइसीलियम हो गया, हॉस्टेरिया आ गया, सब क्या मतलब है कि फंगस लग रहे हैं। ठीक है, तो कार्बिन डाइजाइन और फिर बेंजोमाइन यूज करेंगे, फंगिसाइड्स को छिड़काव करेंगे जिसकी वजह से जो फंगस है वो किल हो जाए और बीमारी ये ना बढ़ पाए। ठीक है,